हेलो दोस्तों, आज हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ाया था, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का हम लोग ने जिक्र किया था, ठीक है। और आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, फिर आगे चीज़ों को समझ में आएगा आपको, ठीक है। क्योंकि मुंडा शासन व्यवस्था से ही नागवंशी शासन व्यवस्था जुड़ी हुई है। जब मुंडा शासन व्यवस्था का समाप्त होती है, मतलब राजवंश का, तो नागवंशी शासन व्यवस्था शुरुआत होती है। जैसे पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मुंडा शासन व्यवस्था की जो अंतिम राजा था उसका नाम था मदरा मुंडा, ठीक है, ये मैंने कल बताया था। और इसी ने नागवंशी शासन व्यवस्था की नींव डाली थी। नींव डाली थी कैसे? इसी ने फणी मुकुट राय को, जो नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रथम राजा था, फणी मुकुट राय को इन्होंने राजा घोषित किया था नागवंशियों का, ठीक है। तो हम लोग आज नागवंशी को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी नागवंशी की, और उसके उत्पत्ति से लेकर बहुत सारे थॉट है, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग अपना ये व्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो उसको देखेंगे किसने क्या बोला है नागवंशी की उत्पत्ति को रिलेटेड। दूसरी बात कि नागवंशी शासन व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। एक्चुअली नागवंशी शासन व्यवस्था जब से प्रारंभ होती है और अंतिम तक जितने भी बहुत सारे राजाओं का इसमें शासन किए हुए थे नागवंशी शासन व्यवस्था में, उसमें से जो महत्वपूर्ण राजा हैं या फिर जो महत्वपूर्ण इवेंट घटे हुए थे जिस राजा के कार्यकाल में, उसको हम लोग देखेंगे और फिर इसकी शासन व्यवस्था को देखेंगे। शासन व्यवस्था में कुछ ज़्यादा है नहीं, एक्चुअली नागवंशी शासन व्यवस्था मुंडा शासन व्यवस्था का ही एक रूप है। मुंडा शासन व्यवस्था को ही अपनाया था नागवंशी शासन व्यवस्था के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा एक दो चेंजेस है जिसको हम लोग बताएंगे। और फिर सबसे इसमें नागवंशी शासन व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है कि जो इसके विभिन्न राजा हुए थे और उसके कार्यकाल में क्या घटनाएं घटी थी या फिर उन्होंने क्या काम किया था, इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले इसकी उत्पत्ति को देखेंगे, फिर इसके विकास को देखेंगे या फिर विभिन्न राजाओं को देखेंगे। तो पहले उत्पत्ति को देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था की उत्पत्ति, ठीक है, इससे रिलेटेड तीन थॉट या फिर तीन जगह पे हमें इसका प्रमाण मिलता है। पहला मिलता है रांची डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर, इसमें नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो पहला प्रमाण हम लोग को यहां पे मिलता है। दूसरा प्रमाण मिलता है नागवंशी कुर्सी नामा से, नागवंशियों की कुर्सी नामा से, ठीक है। कुर्सी नामा। और तीसरा जो हमें प्रमाण मिलता है वो जे रीड, इतिहासकार हैं, इन्होंने सर्वे एवं सेटलमेंट में नागवंशियों के बारे में बताया। ठीक है, तो ये तीन बोल सकते हैं कि सिद्धांत है या फिर तीन जगह पे हमें नागवंशियों की उत्पत्ति का प्रमाण मिलता है, ठीक है। पहला है रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में, दूसरा है नागवंशियों की कुर्सी नामा, ठीक है,
कुर्सीनामा, और तीसरा है जे रीड के सर्वे एवं सेटलमेंट में नागवंशियों के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है, तीनों में क्या क्या बोला गया है या फिर क्या इसमें अपना ये जो थॉट देते हैं या फिर सिद्धांत देते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, रांची डिस्ट्रिक्ट एटीएम में बोला गया है कि नागवंशियों की जो शासन व्यवस्था शुरू होती है, नागवंशियों की शासन व्यवस्था चौथी शताब्दी से शुरू हुई है। ठीक है, ये रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में इसका जिक्र किया गया है कि नागवंशियों की जो शासन व्यवस्था है चौथी शताब्दी से शुरू की गई है। ठीक है, अगर नागवंशियों की कुर्सी नामा देखते हैं, ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि नागवंशी शासन व्यवस्था पहली शताब्दी से शुरू हुई है। नागवंशी शासन व्यवस्था पहली शताब्दी से आने की 64 एडी से प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन में पूछता भी है कि नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत कौन सी शताब्दी में हुई है। ठीक है, तो पहली शताब्दी आने की 64 एडी से प्रारंभ हुई है। क्वेश्चन का आंसर यही देता है। ठीक है, आंसर यही देता है, जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर उसका आंसर फर्स्ट एडी ही देता है या फर्स्ट शताब्दी देता है, 64 एडी। ठीक है, और लास्ट में जे रीड ने अपने सर्वे एंड सेटलमेंट में बताया था कि नागवंशियों की शासन व्यवस्था 10वीं शताब्दी से शुरू हुई है। इस समय तक 10वीं शताब्दी तक झारखंड में ना सिर्फ आदिवासी थे बल्कि विभिन्न जगहों से यहाँ पर बहुत सारे जातियों का आगमन होने लगा था। जैसे ब्राह्मण का आगमन होने लगा था, दूसरा कुमार, आपका गुप्ता, कई व्यापारियों का, मतलब विभिन्न जातियों का आगमन 10वीं शताब्दी में होने लगा था। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने बोला कि 10वीं शताब्दी से नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत होती है, क्योंकि नागवंशी शासन व्यवस्था में इन लोगों का जिक्र मिलता है, ये लोग नागवंशी शासन व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, तो सबसे अगर ऑथेंटिक बोला जाए तो इनके द्वारा दी गई थ्योरी है, लेकिन क्वेश्चन में जब भी पूछा जाता है और उसका आंसर हमको फर्स्ट एडी मिलता है, तो दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जे रीड ने क्या बोला था, नागवंशियों की कुर्सी नामा में कब बोला गया है, फर्स्ट शताब्दी, और रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में इसको चौथी शताब्दी से शुरुआत मानी गई है। ठीक है, तो ये रहा उसकी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, कि इनका शुरुआत कब से होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसके शासन व्यवस्था या फिर इनके जो शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है, आगे विभिन्न राजाओं के बारे में पढ़ेंगे कि नागवंशी शासन व्यवस्था में किस राजा ने क्या कार्य किया, किसके कार्यकाल में क्या घटना घटी। ठीक है, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो आप एक पाई चार्ट जैसा, एक चार्ट जैसा बनाते जाइएगा। मैं महत्वपूर्ण सारे राज्यों को पढ़ना जरूरी नहीं है, जितने भी राजा हुए हैं सबको पढ़ना जरूरी नहीं है, बल्कि जो महत्वपूर्ण राजा हुए हैं या फिर जिनके कार्यकाल में कुछ घटना घटी है सिर्फ उसी को पढ़ना है, और क्वेश्चन वहीं से आता है, सबको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण राजा है उसी के बारे में पढ़ेंगे और उसके कार्यकाल में क्या क्या घटनाएँ घटी है या फिर जो उन्होंने कार्य किया उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था का जो प्रथम राजा था उसका नाम था, प्रथम राजा का नाम था फणी मुकुट राय। ठीक है, फणी मुकुट राय से जुड़ी हुई एक दंत कथा बहुत प्रचलित है। ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे। मदरा मुंडा ने फणी मुकुट राय को
नागवंशियों का राजा घोषित किया था, ठीक है। और फनी मुकुट राय से रिलेटेड एक कहानी ये है, इसका नाम जैसे है फनी मुकुट राय, फनी यानी कि फन। फनी मुकुट राय बोला जाता है कि ये पुंडरीक नाग नाग और बनारस बनारस के ब्राह्मण कन्या के पुत्र हैं, के पुत्र हैं। इससे रिलेटेड एक कहानी प्रचलित है नागवंशियों में कि ये पुंडरीक नाग एक इच्छाधारी नाग था, ठीक है, और बनारस में कन्या का नाम था पार्वती, कन्या पार्वती। ये बनारस की रहने वाली थी, ब्राह्मण कन्या थी, इसकी सुंदरता काफ़ी प्रचलित थी, ठीक है। और इसकी सुंदरता को देखने के लिए पुंडरीक नाग ने मनुष्य का रूप धारण किया, ठीक है, और ब्राह्मण कन्या पार्वती से विवाह किया, ठीक है। काफ़ी दिन इन दोनों ने बनारस या फिर उस क्षेत्र में व्यतीत किया और इसके पश्चात उसे एक पुत्र हुआ, ठीक है। और उसके बाद ये दोनों भ्रमण के लिए निकलते हैं अपने राज्य की ओर, या फिर जो पुंडरीक नाग थे ये एक्चुअली रहने वाले थे ये हमारे छोटा नागपुर एरिया से। तो इन लोग जब आते हैं इधर, ठीक है, तो रास्ते में किसी कारणवश पार्वती को इसकी सच्चाई पता चल जाती है पुंडरीक नाग की, कि ये मानव नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है जिन्होंने वेश बदल कर हमसे शादी की और फिर मेरे साथ रह रहा है। तो इससे काफ़ी दुखी हुई पार्वती जी, और इन्होंने अपना वहाँ पे एक तालाब था नज़दीक में, वहाँ पे डूब करके अपने प्राण त्याग दिए। इसका पुत्र जो था काफ़ी छोटा था, बहुत छोटा ही था, तो ये जो थे पुंडरीक नाग, इन्होंने इसका रक्षा किया। और ऐसा देखा गया था कि जब जब तक कोई उसको पुत्र को उसका लेने गया तब तक नाग जो थे ये पुंडरीक नाग उसे अपने फन से ढक के रखे हुए थे, यानी कि उसको रक्षा उसकी रक्षा कर रहे थे। और ये घटना और हमारे मुंडा राजा के शासन में हुआ जो कि मदरा मुंडा थे, ठीक है। मदरा मुंडा को इसकी खबर मिली, मदरा मुंडा ने इस पुत्र को अपनाया और इसका नाम रखा था फनी मुकुट राय, क्योंकि ये उस वक्त नाग के फन यानी कि छत्र छाया में वो मतलब सुरक्षित थे, इसलिए उसका नाम फनी मुकुट राय रखा गया था। और आगे चल के मदरा मुंडा ने फनी मुकुट राय को ही अपना शासन सौंप दिया और नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है। तो ये कहानी काफ़ी प्रचलित है, ये दंत कथा है, इसकी कोई प्रमाणित नहीं मिलता है, प्रमाण कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये दंत कथा है कि फनी मुकुट राय का जो जन्म है वो ये पुंडरीक नाग और बनारस के ब्राह्मण कन्या पार्वती का पुत्र थे, जिसका देखभाल मदरा मुंडा ने किया था और फिर इस इन्होंने ही इसे नागवंशी शासन व्यवस्था की बागडोर दी या फिर इन्हें राजा घोषित किया था, ठीक है। तो फनी मुकुट राय से ये कहानी प्रचलित है। अब हम लोग देखते हैं कि फनी मुकुट राय जब राजा बनते हैं तो उन्होंने क्या क्या कार्य किए, ठीक है, अपने कार्यकाल के दौरान, उसको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी, फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुत्याम्बे को चुना, ठीक है। और सुत्याम्बे वर्तमान में अगर ये जगह को हम देखेंगे तो ये रांची का पिठोरिया है, ठीक है। वर्तमान में अगर देखें तो सुत्याम्बे जो एरिया था वो अभी वर्तमान में रांची का पिठोरिया है, ठीक है। दूसरा कार्य इन्होंने जो किया था ये सुत्याम्बे में ही सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ऐसे
ये फनी मुकुट राय से रिलेटेड दो तथ्य थे और इसे याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद कई सारे राजा हुए फिर, और एक तथ्य और है, इनकी जो शादी हुई थी पंचायत राजा गौवंशी राज परिवार में हुई थी। ठीक है, इनकी शादी पंचायत के राजा जो गौवंशी राज परिवार था उसमें शादी हुई थी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड तीन तथ्य हैं जिसे याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो राजा हुए इसको मिटा देते हैं, फनी मुकुट राय पहला जो शासक था, यहाँ से लिखते हैं ताकि स्पेस ज़्यादा मिले, फनी मुकुट राय ये पहला शासक था। इसके बाद जो बनता है वो मुकुट राय बनता है, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा बनता है मदन राय, इसे भी याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये इसके कार्यकाल में ऐसा कुछ घटना नहीं हुई थी या इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इन्हें याद रखा जाए, ठीक है। इसके बाद जो बनते हैं उसको याद रखना जरूरी है, ये चौथे थे, फोर्थ थे, और इनका नाम था प्रताप राय, प्रताप राय, ठीक है। और इनके कार्यकाल में क्या हुआ, इन्होंने अपनी राजधानी जो थी सुत्यांबे, इसकी राजधानी अपनी बदलकर, राजधानी बदलकर चुटिया जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे एक जगह है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थानित किया था, मतलब अपनी राजधानी बदलकर चुटिया किया था। और चुटिया कहाँ पे, स्वर्ण नदी के किनारे एक जगह है चुटिया, ठीक है। तो प्रताप राय में ये याद रखना, और ये क्वेश्चन पूछता है कि किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी सुत्यांबे से बदल करके ये आपकी चुटिया लेके गए थे, ठीक है। या फिर ये पूछता है कि प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुत्यांबे से लेकर के कहाँ पे की थी, तो चुटिया, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद जो होते हैं उसका नाम है भीमकर्ण, भीमकर्ण। एक तथ्य और यहाँ पे देखना है कि प्रताप राय के बाद उपाधि जो रहता है राय से हट करके कर्ण जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि भीमकर्ण या फिर किस शासक के बाद से जो नागवंशी शासक थे उनके अंत में कर्ण जुड़ा था, ठीक है। तो प्रताप राय के बाद से कर्ण जुड़ना शुरू हो गया था, तो भीमकर्ण हो गया पहला, ठीक है। तो भीमकर्ण के कार्यकाल में क्या हुआ कि, फिर से लिख देता हूँ, भीमकर्ण, ठीक है। इनके कार्यकाल में दो तीन चीज़ें हुई थी, पहला रक्सेल राजवंश ने हमला किया था, रक्सेल राजवंश ने हमला किया था, और ये रक्सेल राजवंश पलामू में राज करता था। इन्होंने भीमकर्ण पे आक्रमण किया था, लेकिन भीमकर्ण काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, इन्होंने इसे पराजित किया। तो यहाँ पे भीमकर्ण की जीत होती है, भीमकर्ण की जीत होती है, ठीक है। पहला तत्व तो इसका ये है। दूसरा, इन्होंने भी अपनी राजधानी चेंज की, और इन्होंने अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा लेके गए, खुखरा, ठीक है। तो ये दो तथ्य इनका याद रखना है भीमकर्ण से, कि किसकी, पहले तो ये
कि भीमकर्ण का जो युद्ध हुआ था वो किन किन राजवंश के साथ हुआ था, तो रक्षल राजवंश के साथ हुआ था, ठीक है। दूसरा ये कि भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से कहाँ लेके गए, तो चुटिया से खुखरा लेके गई, ठीक है। ये दो तथ्य इनका याद रखना है। उसके बाद जो हमारा अगला राजा है वो है, अगला राजा जो है उसका नाम है जयकर्ण, जयकर्ण। यहां से देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का या दिल्ली का प्रभाव हमारे छोटा नागपुर पे होने लगता है, ठीक है। इस वक्त दिल्ली पर बख्तियार खिलजी का शासन था, बख्तियार खिलजी का शासन था, और इसका शासनकाल 1100 करीब 90 या 80 था, उसे 1210 तक चला था, ठीक है। रेडी, तो बख्तियार खिलजी था, और जयकर्ण से रिलेटेड जो तथ्य है याद रखना है हम लोग को। इसमें पूछा भी जाता है कि किस नागवंशी शासक के कार्यकाल में बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया था, नदिया आप जानते होंगे, नदिया वेस्ट बंगाल का एक जगह है, वेस्ट बंगाल का, इस पर आक्रमण किया था। तो इसमें पूछता है कि आक्रमण किया था, लेकिन ये जो गया था बख्तियार खिलजी गया था वो झारखंड होते हुए या छोटा नागपुर होते हुए गया था, ठीक है। तो बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण छोटा नागपुर होते हुए किया था, ठीक है। तो छोटा नागपुर पार करके उन्होंने नदिया पर आक्रमण किया था। तो ये तथ्य याद रखना है कि किस नागवंशी किस दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने या फिर किस नागवंशी शासक जो था किसके कार्यकाल में बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया था, तो ये पूछ सकता है क्वेश्चन, और ये पूछा भी है, ठीक है। तो इसको याद रखना जरूरी है, और यही दो तथ्य थे इसमें कि बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया था जो झारखंड होते हुए गए हुए थे, ठीक है, और दूसरा ये कि किसके कार्यकाल में ये हुआ था, तो जयकर्ण के कार्यकाल में ये हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट शासक है जिसे हमको याद करना है, जयकर्ण के बाद हमारा आता है भीमकर्ण। सॉरी, जयकर्ण के बाद आता है वेणुकर्ण, वेणुकर्ण, ठीक है, वेणुकर्ण। और ये था अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था वेणुकर्ण, ठीक है। देखो दीपक, अलाउद्दीन खिलजी इसके समकालीन था, ठीक है। इसमें दो तथ्य, एक तथ्य और याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे छज्जू मलिक। अलाउद्दीन खिलजी ने छज्जू मलिक को आदेश दिया कि आप जाके खुखरा पे आक्रमण करें, ठीक है, और खुखरा के जो राजा थे वेणुकर्ण उसको अपने अधीन करें या फिर उनसे मालगुजारी वसूलें, ठीक है। छज्जू मलिक ने आक्रमण किया वेणुगोपाल पर, वेणुगोपाल काफ़ी प्रतापी था लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सामने नहीं टिक पाया और ये हार गए, ठीक है, वेणुकर्ण। और इन्होंने मालगुजारी देना या फिर एक नजराना देना मंजूर, मतलब स्वीकार किया, ठीक है। इतना उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट जो राजा है उसको मैं बताता हूँ।
नेक्स्ट जो राजा थे उसका नाम था शिवदासकर्ण, शिवदासकर्ण, ठीक है। इनके कार्यकाल में एक तथ्य याद करना है और ये इम्पोर्टेंट है कि इन्होंने गुमला के घाघरा में हाफा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। पहला तत्व तो ये निर्माण करवाया था, ठीक है। और दूसरा जो तथ्य इसमें है कि इस मंदिर में विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा मराठी पुरोहित सिया देव सियानाथ देव ने किया था। सियानाथ देव ने किया था। यहाँ दो तथ्य याद रखना है, पूछ सकता है, पूछता ही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट में भी देखे हैं, पूछा गया है कि हाफा मुनि मंदिर में विष्णु भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा थी उस किन्होंने किया था, तो ये मराठी पुरोहित थे, सियानाथ देव ने किया था, ठीक है। दूसरा ये कि हाफा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये शिवदास कर्ण ने करवाया था, ठीक है। तो इससे दो तथ्य हमको याद रखना है, एक तो ये और दूसरा ये कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा किसने की थी और दूसरा हाफा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये दो तथ्य याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट राजा है नागवंशी शासन व्यवस्था के, मैं आप लोग को बार बार बोल रहा हूँ कि सारे राजा को पढ़ना आवश्यकता नहीं है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंस है रखते हैं उसी को पढ़ना है, ठीक है। शिवदास कर्ण के बाद जो नेक्स्ट राजा थे उसका नाम था मधुकर्ण, ठीक है। और ये अकबर के समकालीन थे, ठीक है। पूछ सकता है कि अकबर के समकालीन छोटा नागपुर में किस शासक ने राज किया था, या फिर नागवंशी शासक कौन से नागवंशी शासक थे जो अकबर के समकालीन थे, ठीक है। तो अकबर के समकालीन मधुकर्ण थे, ठीक है। ये एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी नागवंशी शासक हुए थे उन्होंने मुगल या दिल्ली सल्तनत किसी की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। हाँ, कुछ समय के लिए नजराना देते थे कभी कभार, लेकिन ये इन्होंने पूरी तरह से अगर बोला जाए तो ये कभी भी इनके अधीन नहीं आए हुए थे, ये स्वतंत्र रहते थे और कभी कभार कुछ नजराना पेश कर दिया करते थे। यही इसकी खूबी थी, या फिर एक बोला जा सकता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का ये अपना ये था सैन्य ताकत बोला जा सकता है, ठीक है। ये कभी भी मुगल या दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं आए, कभी कभार जब आक्रमण होते थे तो कुछ नजराना दे दिया जाता था जिससे ये अपने शांतिपूर्वक रह सके, ठीक है। तो मधुकर्ण के समय भी यही हुआ, मधुकर्ण ने भी नजराना देना बंद कर दिया था, ठीक है। और ये करीब करीब 1584 ईस्वी में अकबर इन्होंने आदेश दिया कि आप खुखरा पर आक्रमण करें, ठीक है। और वहाँ पे जो शासक हैं उनसे मालगुजारी वसूले, ठीक है। तो इनके जो अकबर के सेनापति थे जिनका नाम था शहबाज खान, ठीक है, इन्होंने शहबाज खान को आदेश दिया था कि आप खुखरा पर आक्रमण करें, ठीक है, और इनसे मालगुजारी वसूलें,
इन्होंने आक्रमण किया, मधुकरण हार भी गए, ठीक है, और इन्होंने कुछ नजराना इनको पेश किया था और दिया था, ठीक है। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट राजा आते हैं तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी सभी एग्जामिनेशन के लिए, और ये पूछता ही है, ठीक है। उसका नाम है दुर्जन साल। इनको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे तथ्यों को याद करना है और इनसे क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। दुर्जन साल ये जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। पहला तथ्य यही है कि दुर्जन साल जहांगीर के समकालीन थे और ये काफ़ी प्रतापी राजा थे। स्वतंत्रता या फिर बोला जा सकता है कि किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करते थे, इसीलिए इन्होंने मुगल को कर देना बंद कर दिया, मुगलों को कर देना बंद कर दिया, ठीक है। परिणाम स्वरूप यही हुआ कि जहांगीर ने, और एक बात और कि झारखंड जो छोटा नागपुर क्षेत्र हुआ करता था वहाँ पे हीरे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, झारखंड में हीरे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, हीरे, ठीक है, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत हो या फिर मुगल हो, ठीक है, ये दोनों की नज़र झारखंड पर हमेशा रही है। और बाद में भी देखते हैं कि बहुत सारे मराठा भी यहाँ पे आक्रमण करते हैं क्योंकि यहाँ पे धन और संपत्ति काफ़ी समृद्धि यहाँ पे रहती है छोटा नागपुर में। जहांगीर का मेनली फोकस था यहाँ के हीरे की खान पे, ठीक है, हीरे के खान को वो अपना करना चाहता था जहांगीर, और इसी काल में दुर्जन साल ने उसे मौका भी दे दिया कि उनको कर देना बंद कर दिया। दुर्जन साल ने, जहांगीर ने इसका फ़ायदा उठाया और आक्रमण करने के लिए बोल दिया, ठीक है, कि आप अपने जो सेनापति थे जिनका नाम था छज्जू जफर खान, पहले तो जफर खान थे, जहांगीर ने जफर खान को भेजा कि आप छोटा नागपुर या खुखरा पर आक्रमण करें और वहाँ के राजा को अपने अधीन करें, वहाँ के जो हीरे की खान है उसको अपने अधीन करें। अनफॉर्चुनेटली जो जफर खान थे वो असफल रहे क्योंकि दुर्जन साल काफ़ी मजबूत एवं शक्तिशाली शासक थे, ठीक है, सैन्य ताकत अच्छी थी और ये हार गए, ठीक है। उसके बाद जहांगीर ने दोबारा इस बार इब्राहिम खान को भेजा, जफर खान हार के चला गया, दुर्जन साल, ठीक है, जफर खान हार जाता है, ठीक है। दोबारा जहांगीर ने इब्राहिम खान को भेजा था, ठीक है, और इब्राहिम खान ने आक्रमण किया खुखरा पर। इस बार दुर्जन साल टिक नहीं पाए और वो हार जाते हैं, दुर्जन साल हार गए, दुर्जन साल हार जाते हैं, ठीक है। हार जाने के बाद इब्राहिम खान ने इनको बंदी बना लेते हैं, ठीक है, इब्राहिम खान दुर्जन साल को बंदी बना लेते हैं और इसे पहले पटना और फिर ग्वालियर जेल में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और पूरा खुखरा पे जहांगीर का शासन हो जाता है, यहाँ के हीरे के खान पर जहांगीर का शासन हो जाता है, ठीक है। आगे जो तथ्य है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ठीक है, क्लास लंबा जा रहा है इसलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। दुर्जन साल से रिलेटेड अभी बहुत सारी तथ्य हैं, ठीक है, और एक कहानी भी है जिसे मैं अगले क्लास में सुनाऊंगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू।